बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे बेटे अब अलकेल के चल महादेव की नगरी से अपनों ने जल तो ले लिया, अब तो सिर्फ महादेव के मंदिर में बस ये गंगा जल ही चलाना है। हल्के हल्के चल। नहीं मम्मी जी, आप आराम से बैठी रहिए, अब ये मेरे कदम महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले। मैं हर साल आपको इसी तरीके से कांवड़ में बैठाकर कांवड़ यात्रा कराया करूंगा। बस अपना लोगों ने शिव की नगरी से गंगा जल तो ले लिया, बस अब गंगा जल को महादेव के मंदिर तक और ले जाना है। लेकिन मम्मी जी एक बात कहूँ, आप ज्यादा हिला मत करा करो, चलने में बड़ा दिक्कत होती है। मेरे बेटे मैं कहाँ पर हिलती हूँ, मैं तो आराम से कांवड़ में बैठी पड़ी हूँ, तू जब तेजी से भाग कर चलता है तभी कांवड़ हिलने लगती है। वैसे राहुल ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा काम आज के जमाने में बहुत कम लोग ही करते हैं, जो अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठा कर कांवड़ यात्रा कराते हैं। अब देखो, एक तरफ कांवड़ में तुम्हारे कम से कम 50-60 लीटर गंगा जल है और दूसरी तरफ सोनिया जी बैठी हुई है, फिर भी तुम इतनी तेजी से चल रहे हो, जबकि मेरे पास तो 20-25 लीटर ही गंगा जल है, तो मुझे पता चल पा रहा है कितना ज्यादा वजन है। लेकिन जब कांवड़ यात्रा पर निकली है तो वजन को क्या देखना, हम तो राहुल शिव के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन राहुल एक बार फिर कहना चाहूँगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ बोधे जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राहुल भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी मम्मी जी को एक तरफ कांवड़ में बैठाई हुई है, दूसरी तरफ गंगा जल है, इतना वजन लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राहुल भैया ने ये कर दिखाया। वैसे कहना नहीं चाहिए, देखो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मेरे पास तो ज्यादा गंगा जल नहीं है, इतना लंबा सफर ही तय करना बहुत मुश्किल होता है, और राहुल जी फिर भी इतना वजन लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल जी। अखिलेश और मोदी जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे लिए ये बात बोल रहे हो, मैं ये सब कहाँ कर पाता, शिव जी की कृपा है इसीलिए ये सब कर पा रहा हूँ। हम भी मोदी जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।